सीसीएमटी के फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है वो लोग परेशान है, जिन लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो लोग भी परेशान है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि दोनों लोगों की परेशानी को खत्म कर सकूं, जो लोग कॉलेज मिलने के बाद परेशान हैं और जिन लोगों को कॉलेज नहीं मिला। तो जिन लोगों को अभी तक कोई कॉलेज अलॉकेट नहीं हुआ है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना होगा। तो उन्हें कोई भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिंपली वेट करना है राउंड टू के रिजल्ट का। और जिन लोगों का काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज मिल गया है वो ज़्यादा टेंशन में है, तो आज हम लोग उनकी टेंशन के बारे में बात करने वाले हैं कि उनको क्या करना चाहिए। उनके पास ऑप्शंस होते हैं, वो फ्रीज करना चाहते हैं, फ्लोटिंग करना चाहते हैं, स्लाइडिंग करना चाहते हैं या फिर कैंसिल करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन है, जो पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं उनको इन सब के बारे में नहीं पता होता और वो गलत कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरीके से डिसीजन लें। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फ्रीजिंग और फ्लोटिंग या स्लाइडिंग के बारे में, और कैंसिल के बारे में आपको बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल तो आपका सीसीएमटी के थ्रू ही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल चुका है, तो जब आपने काउंसलिंग के लिए कॉलेज फिलअप किए थे, काउंसलिंग के दौरान, तो वहाँ पर आपने कुछ नंबरिंग उसको दी हुई थी, जैसे फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, सेकंड नंबर पे कौन सा था, थर्ड नंबर पे कौन सा था, फोर्थ नंबर पे कौन सा था, फिफ्थ नंबर पे कौन सा था, इस तरीके से आपने वहाँ पे नंबरिंग दी हुई थी। यहाँ पे आपको जो कॉलेज मिल रहा है यहाँ पे आपने कॉलेज के नाम फिलअप किए हुए थे उनके ब्रांच के साथ ही। तो आपको कोई कॉलेज मिला होगा तो हमेशा कोशिश होती है कि ऊपर से प्रायोरिटी चेक होती है, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे इस नंबर का कॉलेज मिला है, मतलब कि आपको छठवें नंबर का या हो सकता है कि 20वें नंबर का, 30वें नंबर का, जितने आपने ऑप्शन भरे होंगे उसके हिसाब से आपको कोई भी कॉलेज, मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉलेज मिलता है, तो वहाँ पे आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, आपको वहाँ पे जाके फीस पे करनी है, रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके रिपोर्ट करनी है और आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ डिटेल में कि ये ऑप्शन क्या है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और मैंने कोशिश भी कमेंट के थ्रू भी रिप्लाई करने की, लेकिन मुझे लगा कि आपको वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले तो इनका मतलब समझते हैं, फिर हम आपके पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रीजिंग की। फ्रीजिंग का मतलब है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको लॉक करते हैं। लॉक करने का मतलब है कि आपने उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है और आपको जो रिपोर्टिंग टाइम पे जाके फीस पे करनी होती है, जो 30,000 रुपीज आपको पे करने हैं, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट और आपको पैसे पे करने होते हैं, पे आपको ऑनलाइन करने हैं और आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे भी जाना है। तो ये लॉक करने का मतलब, फ्रीजिंग का मतलब है कि आपने उस कॉलेज, आपको ये कॉलेज मिला और आपने उसको लॉक किया, मतलब कि आप इस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए, अब आप काउंसलिंग आपकी लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है कि मतलब आपका राउंड फर्स्ट में ही मिला था या फिर राउंड सेकंड में, जिस राउंड में मिला है उसके आगे राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है और आपको यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं होगा। आप अगर फ्रीज कर देते हैं उसको तो आपको जो कॉलेज मिला है वही लॉक हो जाता है और आपको सिंपली उसमें जाके जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जब एडमिशन का टाइम आएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपको जाके सिंपली एडमिशन ले लेना है। लेकिन कई लोगों का डाउट ये होता है कि आप फ्रीजिंग करने के बाद हमें दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उस ऑप्शन के बारे में भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। लेकिन अभी अगर जो नॉर्मल राउंड है, चूंकि सीसीएमटी में 3 राउंड ही हो रहे हैं, तो ये 3 राउंड के लिए आपका फिक्स हो गया, अब आपको चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको यही कॉलेज मिल गया अगर आपने उसको फ्रीज कर दिया। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग या स्लाइडिंग पे। तो एक ही ऑप्शन है, इन दोनों का अलग अलग मतलब होता है, उनको भी मैं आपको समझाऊंगा। तो फ्लोटिंग का मतलब है कि आपने कॉलेज को रिजर्व कर लिया, और आपने आगे फॉरवर्ड हो गए। फॉरवर्ड से क्या मतलब है, आपको 6 नंबर पर कॉलेज मिला था, कॉलेज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो 6 नंबर पर कॉलेज था वो आपको मिला था और आपने फ्लोटिंग ऑप्शन दिया है, तो फ्लोटिंग में भी आपको क्या करना है, आपको फीस पे करनी है, जो 30,000 है, 30,000 रुपये है वो पे करनी है, यहाँ पे भी आपको पे करनी है लॉक करने के लिए भी, और पे करने के बाद आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे भी जाना है दोनों ही केसेस में, और आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग सेंटर पे जाके आप फ्लोटिंग, आपने वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया तो फ्लोटिंग का जो डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट करना है आपको। उसके बाद में जब भी आप रिपोर्टिंग सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको लास्ट में एक रिसिप्ट मिलती है। जनरली लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपना पूरा प्रोसेस कराते हैं, उसके बाद चूंकि रिसिप्ट क्या होता है, वो साइन करके जो ऑफिसर होता है वो साइन करके देता है, तो वो सब लोगों की इकट्ठे एक साथ साइन करता है और एक साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि उनका
काम जो है कंप्लीट हो चुका है तो वो चले जाते हैं। तो कभी भी बिना रिसिप्ट के ना आए। आपने अगर फ्रीज किया है तो आपको फ्रीजिंग की रिसिप्ट मिलेगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि आपका जब एडमिशन होगा वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको लेना है, उसके बाद ही रिपोर्टिंग सेंटर से आपको वापस आना है, और आपको ये फ्रीजिंग या फिर फ्लोटिंग का जो लेटर है वो भी आपको वहाँ से रिसीव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पैसे सबमिट करने हैं और आपको वहाँ पे फॉरवर्ड के लिए या आपको अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है, यानी कि आपको सिंपली फ्लोटिंग पॉइंट को सेलेक्ट करना है, फ्लोटिंग जो आपका ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। तो अब इसमें होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, सबसे ज्यादा डाउट इसी पे आता है क्योंकि फ्रीजिंग का मतलब है कि आपका डाउट खत्म है, आपको वो कॉलेज पसंद आ गया, डन। अब यहाँ फ्रीजिंग और फ्लोटिंग और स्लाइडिंग में बहुत ज्यादा डाउट आता है। कुछ लोगों का मानना है कि उनको फ्लोटिंग अगर वो लेते हैं तो ये कॉलेज तो उनका सिक्योर हो गया और कोई कॉलेज मिल सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से समझिए कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आपने फ्लोटिंग के लिए अप्लाई किया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इसका मतलब आपका ये कॉलेज तब तक आपके पास रहेगा जब तक आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों का कन्फ्यूजन टेंशन इसी बात की रहती है कि अगर हमें ये कॉलेज हमारे तब तक रहेगा जब तक के हमें दूसरा कॉलेज नहीं मिल जाता, तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार हमें जो कॉलेज मिले वो इससे बेकार मिले या जो हमें पसंद ना हो वो मिले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। होता क्या है एक्चुअली में, देखिए फ्लोटिंग का मतलब है कि आप इस पोजिशन पे हैं और आपने प्रियोरिटी इस तरह से सेट की थी, मतलब आपको पहले नंबर पे ये पसंद था, उसके बाद 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 आपको ये पसंद था, तो आपको जो नीचे से आपको मिला है कॉलेज जो आपको सबसे कम पसंद है, इन सब में आपको सबसे कम जो पसंद है वो कॉलेज मिला हुआ है, यानी कि नीचे वाले कॉलेज अब आपकी लिस्ट से हट जाएंगे। आपको दिखेंगे, आपके जब आप अपना डैशबोर्ड खोलेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि सारे आपकी चॉइस पड़ी हुई है, लेकिन ये कंसिडर अब नहीं होंगी, यानी कि आपको जो नया कॉलेज मिलेगा वो इन ऊपर वाले चॉइस से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपको वो जो नया कॉलेज मिलेगा वो इससे ज्यादा पसंद होगा, तभी आपने उसको ऊपर रखा था। तो आपको जो नया कॉलेज मिलेगा वो इन कॉलेजेस की लिस्ट में से मिलेगा, यानी कि इसके ऊपर जितने भी कॉलेज की लिस्ट होगी या जितनी भी ब्रांचेस की लिस्ट होगी उन्हीं में से आपको जो कॉलेज है वो मिलेगा। तो जब आपको इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा तो जाहिर सी बात है आप इससे बेटर भी ऑप्शन आपको ऊपर डाले होंगे। हो सकता है कई लोग गलती से क्योंकि जल्दबाजी में काउंसलिंग कराते हैं तो कैसे ही ऑप्शन भर देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपने फ्लोटिंग अलॉट असाइन किया, उसके बाद क्या हुआ, आपको कॉलेज मिला यहाँ पे, आपको फोर्थ नंबर पे नेक्स्ट राउंड में मिला, तो जाहिर सी बात है आपको ये इससे बेटर ही लगेगा, लेकिन आपका ये वाला कॉलेज तुरंत हट जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका ये कॉलेज रहेगा, आप इस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन तीसरे राउंड तक अगर आपको इससे ऊपर वाला कोई भी कॉलेज मिल जाता तो ये आपका कॉलेज कैंसिल हो जाएगा और आपको वो नया कॉलेज अलोकेट हो जाएगा। उसके लिए आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है लास्ट राउंड तक, उसके बाद जब आप फाइनली जाएंगे तो ही आपको, अगर आपको ये चेंज करना है यानी कि फ्लोटिंग है और अगले राउंड में आपको कोई और कॉलेज मिल जाता है, आप वहाँ पर फ्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिपोर्टिंग सेंटर पर जाकर उसको फ्रीज करना होगा। अदरवाइज आपको उसके बाद ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना किसी चीज़ के लिए जाने की जरूरत नहीं है। और ये आपका एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपने एक बार इश्यू करा लिया तो आपको फिर दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो कॉलेज मिल जाता है, अगर आपका आप वहाँ इससे सेटिस्फाइड है तो सिंपली आपको जब आपका काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद जो एडमिशन का टाइमिंग होगा कॉलेज के हिसाब से आपको वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेना है सिंपली। अब लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जल्दबाजी में अगर उन्होंने इस तरीके से फिलअप कर दिया है कि उनको जो अच्छा कॉलेज है वो नीचे चला गया और जो कॉलेज उन्हें पसंद नहीं है वो ऊपर आ गए, तो ऐसे केस में चूंकि आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में अपने जो चॉइस है उनको चेंज नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो फ्लोटिंग के थ्रू अपना जो काउंसलिंग है वो जारी रखें और लास्ट में अगर उनको उनके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो वो एनएसआर राउंड के लिए जा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, एनएसआर राउंड का फायदा क्या होगा जब हमने यहाँ पे भी पैसे दिए हैं, क्योंकि काउंसलिंग में आपके तकरीबन जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट लगभग 2000 रुपये या 2200 रुपये आपके खर्च होते हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका हमें बेनिफिट क्या होगा। तो चूंकि जो आपकी स्पोर्ट राउंड है वहाँ पे आपका जो स्पोर्ट राउंड में बहुत ही जल्दी जल्दी से आपका ये प्रोसेस होता है, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट बन गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका इसके थ्रू या इसके थ्रू जो भी बन गया वो स्पोर्ट राउंड में भी आपके
काम आएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि आपको यहाँ पे किस तरीके से इनका मतलब क्या है, कौन से उसका मतलब क्या है। अब लास्ट आता है आपका कैंसिल। कैंसिल कब होगा? अगर आपने जो टाइम पीरियड दिया था उसमें पेमेंट नहीं की तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, फिर आप सेकंड और थर्ड राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं है। ये उन लोगों के लिए जिनको कॉलेज एलोकेट हुआ है। जिन लोगों को कॉलेज एलोकेट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस वेट करना है। तो अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और उनकी जो भी चॉइस थी वो सब यानी कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर हो जाएंगे। फिर आप स्पोर्ट राउंड के लिए या एनएसआर राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एनएसआर राउंड में क्या करना है उसके बारे में बताएंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर मेरी पर्सनल सलाह लें तो मैं तो इसकी सलाह दूंगा कि आप इस ऑप्शन को रखिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपका जो कॉलेज है वो तो आपके पास है जब तक कि आपको अच्छा उससे बेटर कॉलेज नहीं मिल जाता। तो ये तभी आप यूज करिए जब आपको लगता है कि आप उससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है या उससे अच्छा कॉलेज आपके ऊपर जो लिस्ट है उसमें है। अगर आप इससे जो कॉलेज आपको एलोकेट हुआ उससे सेटिस्फाई हैं तो आप फ्रीज करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको ये आपका बेटर ऑप्शन है। इससे क्या है आपको आगे पॉसिबिलिटी है कि और अच्छा कॉलेज मिल जाए। बाकी आपको पैसे दोनों ही कंडीशन में पे करने होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोनों ही कंडीशन में कराना होगा। तो ये था सीसीएमटी का जो फ्रीजिंग है उसके बारे में कि आपको सीसीएमटी में राउंड एलोकेशन होने के बाद क्या करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट राउंड क्या है या एनएसआर राउंड क्या है। तो क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पे स्लाइडिंग रह गया है तो इसके बारे में बता दूं। स्लाइडिंग का मतलब है जब आपका ये फ्लोटिंग होने के बाद तीन राउंड के बाद कंप्लीट हो जाएगा और आपने ये ऑप्शन रखा होगा, तो स्लाइडिंग का मतलब है कि वहाँ पे आपको कॉलेज के अंदर ही ब्रांच चेंज होगी। यानी कि आपने यहाँ पे कॉलेज डाल रखा था, जो कॉलेज यहाँ पे डाल रखा था एक ब्रांच के लिए, और वही कॉलेज यहाँ पे आपने डाल रखा था ऊपर दूसरी ब्रांच के लिए। तो स्लाइडिंग में क्या होगा कि आपकी ब्रांच शिफ्ट होगी, आपका कॉलेज चेंज नहीं हो सकता लेकिन आपकी ब्रांच शिफ्ट होगी। इसके लिए अलग से टाइम दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे जब ये तीनों राउंड खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये अपने आप ही स्लाइडिंग में शिफ्ट हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि एनएसआर राउंड क्या है और हमें यहाँ पे अगर हमारी यहाँ पे जो भी गलतियाँ हैं उसको उसके लिए हम एनएसआर राउंड के लिए कैसे उसको सुधार सकते हैं। तो देखिए एनएसआर राउंड का मतलब है कि इन सब के बाद कुछ लोग कैंसिल कराते हैं, कुछ लोग आईआईटीज में चले जाते हैं, उसके बाद काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन सीटों के लिए एनएसआर राउंड होता है। एनएसआर राउंड का मतलब नेशनल स्पोर्ट राउंड, इसमें सिर्फ उन सीटों को फिलअप करने के लिए आपका ये काउंसलिंग होती है। तो एनएसआर में आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का मतलब आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये कब आपको कराना है उसके बारे में बता रहा हूं। उसके बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी है। उसके बाद आपको फिर से चॉइस भी फिलअप करनी है। यानी कि जो कुछ भी आपने राउंड वन के पहले किया था सारा प्रोसीजर सेम एनएसआर राउंड में भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसमें से किसी एक राउंड में आपको कॉलेज मिला था और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा। जनरली एनएसआर राउंड में आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है, यानी कि आपको चॉइस फिलअप करने से पहले या फिर आपको कॉलेज एलोकेट होने से पहले, राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है और आपको फीस भी पे करनी होती है एनएसआर राउंड में, जो कि यहाँ पे अराउंड 40,000 रुपये फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। उसके बाद आपको जो कॉलेज मिलता है आप उसके लिए डिनाइल नहीं कर सकते, वो आपको कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा एनएसआर राउंड में। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि आपको जो कॉलेज मिल जाएगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे रेगुलर राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो लास्ट में तीन राउंड खत्म होने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है तो आप वहाँ पे विड्रॉ करवा सकते हैं। विड्रॉ करवाने के बाद आपका जो पैसा था 1,000 रुपये कटेगा और आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो पैसा वापस आएगा वो एनएसआर राउंड कंप्लीट होने के बाद आएगा, तो ये कन्फ्यूजन में मत रहिए कि आपका यहाँ से पैसा आएगा। तो जनरली लोग एनएसआर इस वजह से भी नहीं करवा पाते क्योंकि वो इस पैसे के भरोसे रहते हैं कि जो पैसा वापस आएगा और कुछ पैसा हम अपना लगा करके एनएसआर राउंड करवा लेंगे। तो आपको पैसे का अरेंजमेंट पहले करके रखना है अगर आप एनएसआर करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पैसा वापस आता है ये एडमिशन के बाद आता है। जब सीसीएमटी का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद पैसा वापस आता है आपका। लेकिन ये पैसा आपका वापस आएगा, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो एनएसआर राउंड के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको एनएसआर राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रखा है इन किसी भी राउंड में 1, 2, 3 राउंड में, तो आपको डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वही कॉलेज भरने हैं
जो आप लेना चाहते हैं एडमिशन में, अगर आपको सिर्फ एक ही कॉलेज पसंद आ रहा है तो आप सिर्फ एक ही कॉलेज भरिए, तो हो सकता ये कंडीशन रहेगी कि वो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा लेकिन आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो। अगर कॉलेज मिल जाता है, कोई भी कॉलेज हो, किसी भी पोजिशन में हो, फिर उसके बाद आपको उस कॉलेज से एडमिशन लेना पड़ेगा। अब ये आपकी और आपके कॉलेज के ऊपर है कि वो कॉलेज आपको पैसे वापस करता है या नहीं करता है। CCMT इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। आपको अगर एक बार कॉलेज एलोकेट हो गया तो वो सिंपली वो पैसा आपका कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, उसके बाद आपको कॉलेज से वो पैसा लेना पड़ेगा अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। और वो भी आप वो कॉलेज के ऊपर है कि वो उसकी पॉलिसी क्या है और वो पैसा वापस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि बेसिकली यहाँ पे मेरा मोटिव था आपको फ्रीजिंग और फ्लोटिंग में डिफरेंस बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ पूरी चीज़ों को। फ्रीजिंग का मतलब है कि आपने उसको लॉक कर दिया है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है आप उस कॉलेज को एज अ बैकअप रख रहे हैं और नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे ही आपको नया कॉलेज मिलेगा तो आपको ये पुराना कॉलेज आपकी लिस्ट से हट जाएगा, आपको उस कॉलेज आपके पास नहीं रहेगी उसकी चॉइस, आपको जो नया कॉलेज मिला है आपको वो चॉइस रहेगी। दोनों ही कंडीशन में आपको पेमेंट भी करनी है, आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे भी जाना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना है। और अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं गिवन टाइम में तो आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपका जो जो भी प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप सिर्फ NSR राउंड में बैठ सकते हैं। अब हम बात करते हैं NSR राउंड की। तो NSR राउंड बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है, बस इसमें फर्क इतना रहता है कि यहाँ पे आपके पास आपको अगर कॉलेज मिलता है तो आपको वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन करना है, फीस जो दोबारा से काउंसलिंग फीस है जो आई थिंक 2200 रुपये आपको जनरल OBC के लिए है और 1700 आपकी SC ST के लिए है, तो वो आपको पे करनी होगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग जैसे राउंड वन में किए थे वैसे ही राउंड वन जीरो यहाँ पे NSR राउंड में भी आपको फिलिंग चॉइस करनी है। उसके बाद आपको इसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिर से सेम कॉलेज एलोकेट होगा, यानी कि सेम प्रोसीजर के थ्रू कॉलेज एलोकेट होगा जो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए। यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे रिजर्वेशन चेंज हो जाता है, जो रिजर्वेशन है वो चेंज हो जाता है। रिजर्वेशन से मतलब है कि यहाँ पे आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ सीटें एलोकेट होती हैं कि ये OBC के लिए हैं, ये SC ST के लिए हैं, ये ओपन रैंक के लिए हैं। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में जरूर एक बार पढ़ लें यहाँ, क्योंकि यहाँ पे OBC के रिजर्वेशन में चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर आप OBC से हैं तो आपको पहले जो इसका CCMT की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे NSR राउंड के बारे में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे आपका रिजर्वेशन चेंज हो जाता है, आपके जो रिजर्व सीट है वो ओपन में भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है क्योंकि हर साल ये डिफरेंट चेंज होता रहता है, कभी रिजर्वेशन हट जाता है कभी नहीं हटता है। तो आपको एक बार इसके बारे में पता कर लेना है कि रिजर्वेशन में चेंजेस तो नहीं आए हैं, उससे आपकी प्रोबेबिलिटी कम और ज़्यादा हो सकती है आपको कॉलेज मिलने की। तो ये पूरा प्रोसीजर था CCMT का, कैसे ये वर्क करता है। तो अगर हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो मैं इसको फ्लो चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। बेसिकली आपको CCMT की वेबसाइट पर भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपका जो इसका ओरिजिनल फ्लो चार्ट है वो आपको सिंपली CCMT की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे जनरली छोटे से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में। देखिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद, ये चॉइस फिलिंग करने के बाद है, आप अगर राउंड वन की बात करें, यहाँ पे आई को मैं हटा के बंद कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आर राउंड वन की बात करें तो आपके पास या तो सीट एलोकेट हुई होगी या सीट एलोकेट नहीं हुई है। तो अगर सीट आपको एलोकेट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, राउंड I+1 यानी कि राउंड टू के लिए वेट करना है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो राउंड टू भी किस तरीके से वर्क करेगा, सेम इसी तरीके से वर्क करेगा जैसा राउंड वन में वर्क कर रहा है। अगर आपको राउंड टू में भी नहीं मिलता तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना है, राउंड थ्री में भी नहीं मिलता तो आपको कुछ नहीं, आपको NSR राउंड में जाना है, बात खत्म। अब जिन लोगों को एलोकेट हुआ है उनके पास दो चॉइस होती है हर एक राउंड में। तो आपको मान लीजिए राउंड वन में आपने चॉइस की फ्रीज कर दिया मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको डन, आपने फीस पेमेंट की, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया और आप जब आपको कॉलेज के एडमिशन का टाइम जो डेट आएगी उस टाइम पे जाके आपको अपने कॉलेज में एडमिशन लेना है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, आपने फ्रीज कर दिया मतलब कि आपको CCMT से अब कोई मतलब नहीं रहा, आप सिंपली कॉलेज जाके अपनी पूरी जानकारी लेते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने फ्लोट किया है, फ्लोटिंग किया है तो आपको फीस पेमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके आना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आप फिर से उसी लूप में वापस आ जाएंगे, यानी कि राउंड टू के लिए। यहाँ पे राउंड वन था तो राउंड टू के लिए, यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है फॉर R I+1, राउंड टू के लिए आप वापस से आ जाएंगे। राउंड टू में फिर से आपके पास वही ऑप्शन होगा, अब आपका ये ऑप्शन तो हट जाएगा क्योंकि आपके पास एलोकेट हो चुकी है सीट। अगर आपको राउंड टू में कोई चीज़ एलोकेट होता है उससे बेटर कॉलेज, तो आप वहाँ पे
फ्लोटिंग कर सकते हैं या फिर फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने के बाद आपको सिंपली कॉलेज में एडमिशन लेना है। फ्लोटिंग के लिए आपको राउंड थर्ड में ऑप्शन मिलेगा, फिर राउंड थर्ड में भी आपको सेम प्रोसेस होगी। अगर आप लेकिन राउंड थर्ड में आपको फिर या तो फ्रीज करना पड़ेगा या विदड्रॉ करना पड़ेगा। तो विदड्रॉ करेंगे आप तो आपका पैसा वापस आ जाएगा। इनफैक्ट आप रिपोर्टिंग सेंटर पर नहीं पहुँचते हैं तब भी आपका पैसा वापस आ जाएगा, फिर आपको एन एस एल अकाउंट के लिए जाना पड़ेगा। तो ये मैंने बेसिकली आपको बताया। वैसे इसका जो ऑरिजिनल फ्लो चार्ट है वो आपको सी सी एम टी की वेबसाइट पर मिलेगा, वहाँ पे आप जाके इसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उन डाउट को फिर से क्लियर करने की। तो आई होप कि आपको फ्रीजिंग, फ्लोटिंग, स्लाइडिंग और इन सब के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं सलाह दूंगा कि आप इस ऑप्शन पे जाएं अगर आपकी चॉइस फिलिंग में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, और आपको अगर आपका पसंद का कॉलेज मिल गया तो जाहिर सी बात है आपको यहीं आना चाहिए। आपको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आपको अगर आपके पसंद का कॉलेज मिल गया तो आप फ्रीज करिए, ख़त्म करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको उससे बेटर कॉलेज मिल सकता है और आप उन कॉलेजेस को लेना चाहते हैं जो उसके ऊपर हैं, यानी कि जो आपने जो कॉलेज एलोकेट हुआ है उसके ऊपर आपने जो कॉलेज है वो इससे बेटर आपको लग रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फ्लोटिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर भी पेमेंट करनी ही पड़ेगी और आपको जाना भी पड़ेगा, यहाँ पर भी जाना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ये ऑप्शन लें ताकि आपके पास ऑप्शन रहे उससे बेटर कॉलेज सेलेक्ट करने का। लेकिन अगर आपको ये कॉलेज है ये आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर के कॉलेज की अपेक्षा, तो आप इसको सीधे फ्रीज करिए और अपनी काउंसलिंग खत्म। तो आई होप कि आपको ये सी सी एम टी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन सारे डाउट भी क्लियर करने जरूरी थी। तो अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम टाइम पे आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे ही गेट का कोई नया जो रिजल्ट आपका अपडेट आता है सी सी एम टी के थ्रू तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड 2 या 3 दिन का टाइम देते हैं आपको सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है।